वही है कि अभी टाइम है, घर पे हूँ, आराम करने के लिए आई थी, मेरे को चाहिए था वो एक सुकून का। और ऑलमोस्ट मेरे को ऑलमोस्ट मैं 1 month रह ली हूँ घर पे, तो इससे अच्छी बात मिल रहा और कुछ नहीं हो सकती। अब मैं 2-3 महीने के लिए फ्रेश हूँ, मस्त रहूंगी बैंगलोर में, फिर से फिर भाग के आऊंगी, फिर आई विश कि मेरे को फिर से 1। और मैंने एक चिड़िया को बंदूक मार के, वो मतलब एक चिड़िया को मैंने बंदूक मार दिया, तो ट्री पे कितनी चिड़िया बैठी है मेरे पिताजी हो ना, इसलिए जवाब दे पाओगे। आप अपने आप को मेरे अंदर देख सकते हो, इतनी इंटेलिजेंट हूँ मैं। क्या बात है, मेरे अंदर खुद इतना दिमाग नहीं है क्योंकि मैं इनकी बेटी हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वू 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 वू। तो मैं नाश्ता वास्ता सब करके बढ़िया तरीके से बैठ चुकी हूँ, और ना ही मैं कुछ कर रही हूँ, ना कोई काम ना कुछ, सिर्फ टीवी के सामने तकिया पकड़ के लेट जाती हूँ, कुछ अच्छा सा लगाती हूँ मूवी और उसको बस कंप्लीट करने को इसमें लगे रहती हूँ, जस्ट बिकॉज कुछ ही दिन बचे भोपाल में और अभी मेरे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर तो कुछ भी नहीं, ना यूट्यूब पे कुछ देखूंगी, ना नेटफ्लिक्स पे, ना कुछ ज्यादा कुछ भी यूज करना नहीं रहेगा, व्लॉग चलता रहेगा, व्लॉग नहीं रुकेगा। बट वही है कि अभी टाइम है, घर पे हूँ, आराम करने के लिए आई थी, मेरे को चाहिए था वो एक सुकून का। और ऑलमोस्ट मेरे को ऑलमोस्ट मैं 1 month रह ली हूँ घर पे, तो इससे अच्छी बात मिल रहा और कुछ नहीं हो सकती। अब मैं 2-3 महीने के लिए फ्रेश हूँ, मस्त रहूंगी बैंगलोर में, फिर से फिर भाग के आऊंगी, फिर आई विश कि मेरे को फिर से 1 month जैसा या 2 या 3 हफ्तों जैसा तो छुट्टी मिले इसके बाद। बट अब कुछ नहीं कर सकते, एग्जाम की डेट्स आ चुकी है, अब जाना पड़ेगा घर। तो फिर मैं सोचू कि जब तक यहाँ पे हूँ आराम करती हूँ, माइंड को रिलैक्स रहने देती हूँ, और वहां जाऊंगी फिर कुछ स्ट्रेस उठाऊंगी कि पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। अभी के लिए कुछ नहीं, अभी के लिए सिर्फ चिल एंड नेटफ्लिक्स, बस और कुछ नहीं, चिल एंड नेटफ्लिक्स। तो अभी वही कर रही हूँ मैं, बस इतनी सारी मूवीज कंप्लीट करके बैठ चुकी हूँ ना, मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगी मैंने क्या क्या कंप्लीट करा है। जब मैं पूरा यहाँ से चली जाऊंगी ना बैंगलोर, तब मैं बताऊंगी कि मैंने इतने दिन रह के इतना कंप्लीट करा है, वो भी मैं आखिरी आखिरी में स्टार्ट कर रही हूँ देखना, तुरंत आके नहीं देखी थी, तुरंत आके तो इधर उधर सब काम है, मैं बिजी। और आज मैं शायद ही कुछ ज्यादा व्लॉगिंग करूंगी क्योंकि आज मैं कहीं पर जाने भी नहीं वाली और घर पर ही रहूंगी, और घर पर रहती तो ज्यादा कुछ दिखाने को रहता नहीं है, तो शायद आज और कल का व्लॉग तो साथ में ही शूट करूंगी, क्योंकि वैसे भी आज भी कुछ नहीं होगा दिखाने के लिए क्योंकि कहीं बाहर नहीं जा रही, और शायद कल भी नहीं जाऊंगी क्योंकि सिर्फ मेरे को ना अभी बस कुछ देर ऐसे रिलैक्स करना, आराम करना, क्योंकि कुछ ही दिन और बचे हैं, तो ऐसे बिल्कुल हेडेक नहीं लेना है बाहर जाने का, ये करने का, वो करने का। बट जाने से पहले तो कुछ कुछ चीजों के लिए, कुछ कुछ कामों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तब बिजी रहूंगी, बट अभी तो शायद आज और कल तो आराम आराम ही चलेगा। उसके बाद तो फिर संडे है, फिर संडे को मम्मी पापा लोगों का भी कुछ कुछ प्रोग्राम है, फिर मैच कंटिन्यूसली 3 संडे तो मैच देख चुकी हूँ, और ये संडे मेरा लास्ट होगा मैच देखने का, तो आई होप सो अच्छा हो जाए इनका मैच वगैरह भी सब कुछ, और संडे भी अच्छे से चले जाए। और संडे को बहुत कुछ प्रोग्राम्स हमेशा होते हैं, ये हमेशा का है, अगर मैं भोपाल में रहती तो आप लोगों को ज्यादा दिखा पाती, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ हूँ नहीं, बैंगलोर में हूँ, और बैंगलोर में वहाँ के प्रोग्राम्स हम लोग अटेंड नहीं करते क्योंकि हम लोगों को ज्यादा कुछ आइडिया नहीं रहता है, चर्च जाते हैं वहां से आ जाते हैं, बस उतना ही है। बाकी तो अभी एग्जाम होगा स्टार्ट, तो देखना फिर से बैंगलोर की लाइफ आने वाली है व्लॉग में, फिर से वही उठना पढ़ना लिखना। और इस बार सिर्फ 1 दिन की छुट्टी है, तो देखते हैं, सिलेबस भी जल्दी जल्दी कवर करना होगा, फटाफट पढ़ना होगा। आपसे एक सवाल करती हूँ, सही से जवाब देना ना, मेरे को पता है आप में दिमाग बहुत ज्यादा है, तभी मैं आपकी बेटी हूँ। एक ट्री पे 5 चिड़िया बैठी थी, ठीक है, और मैंने एक चिड़िया को बंदूक मार के, वो मतलब एक चिड़िया को मैंने बंदूक मार दिया, तो ट्री पे कितनी चिड़िया बैठी है? अरे वाह, पता था मेरे डैडी हो ना, इसीलिए जवाब दे पाओगे। मेरे पिताजी हो ना, इसलिए जवाब दे पाओगे। आप अपने आप को मेरे अंदर देख सकते हो, इतनी इंटेलिजेंट हूँ मैं। गाइस, ट्री पे एक भी चिड़िया नहीं बैठी रहेगी क्योंकि एक गोली मारा तो बाकी सब फुर्र से उड़ जाएंगी। ये आज मैंने देखा था एक मूवी में, वही मैंने पूछा, मेरे अंदर खुद इतना दिमाग नहीं है क्योंकि मैं इनकी बेटी हूँ। आज डिनर में है चिली चिकन और पराठा, बनाया किसने है? मैंने। मतलब मैंने ही तेरे को सिखाया है बनाना, बट ये चिली चिकन अच्छा बनाती है, क्या करूं, मेरी रेसिपी है ना इसीलिए। तेरी? यस बेबी, मेरी।
तो अभी मस्त खाते हैं चिली चिकन और पराठा और देखते हैं अपन जमता रहा अनदर डे बट सेम व्लॉग। तो आज मैं बहुत ज्यादा ही लेट होके उठी थी और दीदी सुबह सुबह जा रही थी, तो दीदी मेरे को बोलती जल्दी उठ नीचे जा करके, तो मैंने बोला नहीं जा तू तू जा और नीचे वाले गेट पे ताला लगा के चले जाना करके। मैं इतना लेट होके उठी क्योंकि कल रात में मैं बहुत ज्यादा ही लेट हुई थी। और अभी दीदी लोग लेके आए हैं रसगुल्ला रसगुल्ला, कल से ही मीठा खा रहे, कल जलेबी खाया आज रसगुल्ला खाया। और कल तो मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं करा क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, सिर्फ मैं सिर्फ टीवी के सामने बैठ के एक के बाद मूवीज देखे जा रही थी। और आज भी मैं वही कर रहा है सुबह से, इसलिए मैं अभी अपना ये वाला व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ करती नहीं हूँ, सोफे में तकिया पकड़ के लेट जाऊंगी और जो देखती रहती हूँ कंटिन्यूसली एक के बाद एक मूवी, तो वही हो रहा है और बाकी कुछ हो नहीं रहा। मैं कहीं बाहर भी नहीं जा रही ना मैं कुछ कर रही हूँ, इसलिए मैं व्लॉग भी नहीं कर पा रही हूँ ज्यादा और मेरा मन भी नहीं कर रहा है कुछ करने का क्योंकि मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। ये लेके आ गई है रसगुल्ला, मेरे को छोटे छोटे वाले चाहिए थे, यहाँ पे बना देती हूँ जा ना जा जा तेरे को तो आता है ये खत्म दोबारा बना। यस तो अभी खाते हैं हल्दीराम्स का रसगुल्ला मस्त। और देख लो कौन आया है आज, कोको कोला इन द हाउस। और मैं देख रही हूँ अभी शिनचान, अभी देखती हूँ थोड़ी देर शिनचान देखूंगी फिर से मैं कोई मूवी लगा दूंगी। मम्मी बोल रही है आजकल वो लोग यूट्यूब देखना छोड़ दिए जस्ट बिकॉज मैं आती और मैं मना करती थी, मैं बंद करवा देती, मैं बोलती हूँ मेरा कोई मत चलाना वरना मेरे ही चलता रहता था ना 24 घंटे। हाँ गंदे लोगो इतना नहीं देखना चाहिए आप तो देखते देखते। और मम्मी ऊपर से मेरे को तो बोलेगी इतना व्यूज आया है, इतने ही बड़े हैं, इतना व्यूज आया। मैंने कहा मम्मी मेरे को सुना सुना के ट्रॉमा मत भेजो, बट अच्छा है मैंने इन लोगों का देखना बंद करवा दिया ना। मम्मी बोलती बनाती क्या देखने के लिए ना, फिर देखने के नहीं देती। मैंने कहा मेरा मत चलाना भले किसी और का चला दो। हाँ इसीलिए मम्मी देखती रहती है। बस मम्मी अपना काम, आवाज मम्मी को बस कान में आना चाहिए, बाकी मम्मी अपना काम करते रहेगी बस मेरा, ताकि इनको लगे मैं आपके पास, मैं आपके पास ही तो मम्मी दो मम्मी डेढ़ घंटा तो लगता है, आती क्यों नहीं आप मेरे पास। हाँ डेढ़ घंटा आया और डेढ़ घंटा चले जाना है ना। अभी खाते रसगुल्ला और कोको कोला, इतना देखो देख रहे हो मग देख रहे हो, समझ जाओ हम लोग के घर में कौन क्या क्या पीता है। चलो बेटा देख लिया तुम लोग ने, अब मेरी बारी, मैं आ गई हूँ, अब मेरा राज चलेगा। इसलिए अब तुम्हें योरू से मार के इज्जत बख्शूंगा। तो मम्मी और पापा तो जा चुके हैं सोने, इसलिए मैंने थोड़ा अपना वॉल्यूम नीचे कर दिया है। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैं अभी 2 दिन से क्या ही कर रही हूँ, नेटफ्लिक्स एंड चिल, तो वही चीज है। अभी मेरे को नींद आने वाली है नहीं, बकायदा मेरे को जाना है कल चर्च। और जिस दिन चर्च जाना रहता है, जिस दिन कुछ भी हो या तो चर्च हो या तो दूसरे दिन जल्दी उठना हो ना, उसके एक दिन पहले वाली रात मेरे को ढंग से नींद आती नहीं है और जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। किसी ना किसी चीज की वजह से मैं अपना अपना टाइम वेस्ट करती हूँ। तो अभी भी मेरा मन नहीं कर रहा, मेरे को नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं टीवी के सामने बैठी हूँ कुछ ढूंढ रही हूँ देखने के लिए। तो अभी देखती हूँ क्या मिलता है मेरे को देखने के लिए और उसके बाद मैं जाऊंगी फिर सोने। तो ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करती हूँ गाइज, आई होप यू ऑल लाइक इट। मेरे को पता है मैंने ज्यादा कुछ नहीं दिखाया है, सिर्फ घर में रह रही हूँ, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा माफ कर देना, बस थोड़ा सा, ज्यादा माफ मत करना, थोड़ा सा कर देना। तो बाय बाय, टेक केयर, बूम 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 बूम।